यानी अयोध्या में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी तीन रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें एक भी रानी में से संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन दुखी होकर राजा अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। महामुनि वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने को कहा। यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को चार पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चारों भाई बड़े होते चले गए। सबने साथ साथ ही सभी आवश्यक विद्याओं में निपुणता प्राप्त की। महर्षि विश्वमित्र के आश्रम में जब कभी भी जाप यज्ञ होते तो दानव प्रवृत्ति के मारीच और सुबाहु उपद्रव मचाते, ऋषि मुनियों को आतंकित करते। ऐसे राक्षसों से मुक्ति दिलवाने के लिए विश्वमित्र जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया। भगवान विष्णु ने दशरथ पुत्र राम का नाम सुझाया। इसके उपरांत भगवान राम ने अपनी शस्त्र निपुणता और ईश्वरीय कृपा से मारीच की मां तारका सहित कई अन्य राक्षसों का वध किया और मुनि ऋषि इस आतंक से मुक्त हो गए। इसी दौरान पत्थर में परिवर्तित अहिल्या को फिर से मानव रूप में जीवित करके अहिल्या का कल्याण किया। अच्छे अच्छे सूरमा और बलशाली राजा सीता स्वयंवर के दौरान जिस धनुष को उठा तक ना सके, उसे राम ने बड़ी सरलता से तोड़ डाला और सीता मैया ने बरमाला श्री राम के गले में डाल दी। ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के राजाभिषेक की तैयारी हो ही रही थी कि कैकेयी की दासी मंत्रा ने कैकेयी के कान भरने शुरू कर दिए। कैकेयी को स्मरण कराया गया कि उसको राजा दशरथ ने दो वरदान दिए हुए हैं, जिसके बल पर कैकेयी श्री राम के 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन मांग सकती है। कैकेयी ने वो ही किया जो मंत्रा ने सुझाया। लाचार पिता दशरथ के इस आदेश को जहां भगवान राम ने खुशी खुशी स्वीकार किया, वहीं अनुज लक्ष्मण और सीता माता ने श्री राम के साथ वनवास काटने का प्रण किया। मानवता की रक्षा हेतु मार्ग में कई राक्षसों का संहार करते हुए तीनों पहुंचे पंचवटी। राम और लक्ष्मण की सुंदरता पर मोहित शूर्पणखा ने दोनों के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों भाइयों द्वारा अस्वीकार करने पर शूर्पणखा ने अपने असली राक्षसी रूप को दर्शाया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। शूर्पणखा ने रोते चिल्लाते रावण के सामने अपना दुखड़ा सुनाया और अपमान का बदला लेने के लिए रावण को भड़काना शुरू कर दिया। क्रोधित रावण ने सीता हरण की योजना बना डाली। रावण ने मारीच को कपट मृग का रूप धारण करने का आदेश दिया। सुनहरा शरीर, मणि सरीखी आंखें, अत्यंत सुंदर मृग पहुंचा सीता मैया की कुटिया के पास। मां सीता उसके आकर्षण से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने श्री राम को उस मृग को लाने का आग्रह किया। राम चल पड़े मृग के पीछे पीछे। वन से श्री राम जैसे स्वर में पुकार सुनकर लक्ष्मण श्री राम की ओर जाने से पहले सीता मैया की सुरक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर रेखा खींच देते हैं और सीता मैया से अनुरोध करते हैं कि इस रेखा को वो ना लांघें, यानी लक्ष्मण रेखा के अंदर अंदर रहे। लक्ष्मण के जाते ही रावण
भिक्षु के भेष में भिक्षा मांगने सीता मैया के द्वार पहुंचता है और अवसर मिलते ही सीता मैया का हरण कर लेता है। आकाश मार्ग में दुष्ट रावण को राम भक्त वृद्ध जटायु ने जब रोकने का प्रयास किया तो रावण ने जटायु को बुरी तरह से घायल कर दिया। कुटिया में लौट कर आने पर सीता मैया को ना पाकर श्री राम और लक्ष्मण दोनों चिंता में डूब जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। खोज शुरू होती है। खोज करते करते राह में जटायु ने दोनों भाइयों को रावण के दुष्कर्म के बारे में बताया। व्याकुल भाई जब सीता मैया की खोज में भटक रहे थे तभी उनकी भेंट होती है श्री हनुमान जी से। राम लक्ष्मण की व्यथा सुनने के पश्चात हनुमान जी सुग्रीव के साथ मिलकर सीता मैया को ढूंढने का बीड़ा उठाते हैं। खोज करते करते श्री हनुमान जी को जटायु के बड़े भाई संपाति बताते हैं कि मां सीता को रावण दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। वानर सेना के महामंत्री जामवंत ने हनुमान जी को लंका जाकर सीता मैया को खोजने का आदेश दिया। समुद्र पार करते समय मध्य में श्री हनुमान जी को एक राक्षसी ने रोकना चाहा, तो हनुमान जी के पराक्रम और शक्ति के आगे वो राक्षसी ढेर हो गई और हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सीता मैया को अशोक वाटिका में पाया। इसी दौरान रावण पुत्र अक्षय कई राक्षसों सहित हनुमान जी के हाथों मारा गया। इसे सुनकर रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को हनुमान जी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। जब हनुमान जी को दरबार में लाया गया तो उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया गया। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने उसी आग लगी पूंछ से सारी लंका को फूंकना शुरू कर दिया। फिर श्री हनुमान सीता मैया से निशानी के तौर पर चूड़ामणि लेकर श्री राम तक पहुंचे और सारा विवरण जा सुनाया। इधर राम लक्ष्मण हनुमान सुग्रीव और वानर सेना युद्ध की तैयारी में जुटे हुए थे। दूसरी ओर लंका दहन से सारे राक्षस भयभीत थे। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी होने लगी। रावण के भाई विभीषण ने रावण को कई प्रकार से समझाया बुझाया कि प्रभु राम भगवान है जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं, उनका विरोध छोड़ दो और सीता माता को सम्मान सहित लौटा दो। रावण ने विभीषण का अपमान कर उसे अपने राजभवन से निकाल दिया। विभीषण श्री राम का दर्शन लाभ लेने के लिए राम के शिविर में आ गए, जहां राम ने उसे स्वीकार कर उसका राज्यभिषेक कर उसका राजतिलक कर दिया। लंका तक समुद्र मार्ग से जाने के लिए जामवंत ने नल और